हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। स्क्वायर की हर एक साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। ए बी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ, बी सी के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ, उसी तरीके से सी डी पे भी एक सेमी सर्कल बन रहा है और ए डी पे भी एक सेमी सर्कल बन रहा है, चार सेमी सर्कल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो चार सेमी सर्कल बनाया गया तो कुछ इस तरीके का ये फिगर बन के तैयार हुआ। उसमें ये शेडेड पार्ट है, हमें शेडेड पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, जो बुक में जो फिगर दिया हुआ उसमें पहले से ये जो खाली जगह है यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ पार्ट 1, 2, 3, 4। अगर ये नहीं भी किया हुआ रहता तो हम अपने से यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3, 4 लिख लेते, ठीक है। तो हमें शेडेड पार्ट कैलकुलेट करना है। तो शेडेड पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर पूरे स्क्वायर में से हम पार्ट 1, 2, 3, 4 को माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये पार्ट 1, 2, 3, 4 हमें मिलेगा कैसे? क्योंकि जो पार्ट 1 है वो ना तो कोई रेक्टेंगल है ना रेक्टेंगल है, मतलब ये जो शेप बन रहा है इसका डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। तो इसको हम लोग अरेंजमेंट से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? पूरे स्क्वायर में से अगर हम इस वाले सेमी सर्कल और इस पूरे सेमी सर्कल को, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर दिख रहा है कि ये सेमी सर्कल पूरा माइनस हो जाएगा और ये सेमी सर्कल पूरा माइनस हो जाएगा, तो हमें पार्ट 1 और 3 का एरिया मिल जाएगा। और जो पार्ट 1 और 3 का एरिया आएगा सिमेट्री से पार्ट 2 और 4 का भी एरिया वही होगा। तो इस तरीके से दो स्टेप में हमें पार्ट 1, 2, 3, 4 का एरिया मिल जाएगा। जब पार्ट 1, 2, 3, 4 का एरिया मिल जाएगा तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम पार्ट 1, 2, 3, 4 के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमें शेडेड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें पार्ट 1 और 3 का एरिया कैलकुलेट करना है। साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और इसी को डायमीटर एज्यूम करके सेमी सर्कल बनाया गया, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। ये पूरा ए बी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 5। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल लिख लिए यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ पार्ट 1 और 3, पार्ट 1 और 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कैसे मिलेगा? पार्ट 1 और 3 पूरे स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ पार्ट 1 और 3 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल है, तो 2 सेमी सर्कल मिलके क्या होता है? एक सर्कल बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि यहाँ पे कोई सर्कल हमें नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उससे। तो हम लोग क्लियरली लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 πr² क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर 2 हो गया। और ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? 2 कट जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू बोला है कि 3.14 यूज़ करने, तो पाई के प्लेस पर हम 3.14 लिखेंगे। जो रेडियस है वो 5 × 5 हो गया, तो साइड स्क्वायर 10² ये हो गया 100 और 2 × 1/2 × π के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिए 3.14 × radius 5 × 5, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, 3.14 × बच गया 5 × 5 = 25। तो ये आ जाएगा आगे 100 माइनस, या तो हम दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख ले या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये जाएगा 314/100 × 25। हमें कहीं पे भी मिलता है तो हम लोग उसके बदले लिख लेते हैं 100/4। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 314 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करना काफ़ी ईजी होता है। तो इसके बाद आ गया ये 100 माइनस 4 × 7 = 28, बच गया 34, 4 × 8 = 32, रिमाइंडर बच गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। तो ये आ गया 78.5। तो 100 माइनस 78.5 कितना हो जाएगा? 100 में से 78 चला गया तो बच गया 22, और 0.5 और चला जाएगा तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ पार्ट 1 और 3। पार्ट 1 और 3 का मिला के एरिया कितना है? 21.5। अब सिर्फ अगर हमें पार्ट 1 का एरिया कैलकुलेट करना रहता तो इसको 2 से फर्दर डिवाइड कर देते, लेकिन वैसा कोई केस नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पार्ट 2 और 4 का एरिया क्या होगा? वही होगा जो 1 और 3 का है। तो 1 और 3 का एरिया है 21.5, तो 2 और 4 का भी वही होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई रीज़न देने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्ट 1, 3 पता चल गया, 2, 4 पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों का
सम करके माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 10, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 100 माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1, 2, 3, 4, तो चारों पार्ट का एरिया जोड़ देंगे तो 21.5 प्लस 21.5, ठीक है। तो ये आ गया, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं 100 माइनस 21.5 प्लस 21.5, ये हो गया 43, तो 100 माइनस 43 हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगर वीडियो समझ में आया तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।